एक दो मोदी और पैदा हो जाएगा ना, देश बल्ले बल्ले हो जाएगा। देख लो अब तो मोदी बन गए। ये बिल्कुल ये नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाह रहे क्योंकि बंगाल में चुनाव हो रहा है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर लुक वहाँ की लेंगे, ये जहाँ भी जाते हैं वहीं की लुक लेते हैं। बहरूपियाँ है, मदारी है। और कहाँ मर गई वो नागनी तिवारी, कहाँ है वो कपिल मिश्रा, जब शाहीन बाग बैठा था बड़ा लेबर पेन ले रहा था, हराम खोर। मतलब भारत के मॉडल है ये, भारत के मॉडलिंग करते हैं। भाई ये क्या है, पूरा ध्यान इनका खुद के उसमें रहे, इमेज पे, कभी दाढ़ी बढ़ानी है, कभी बढ़ानी है, कब स्टेट। जब ये आए थे इनकी फोटो तब की देख लो, अब की देख लो। तो आपको किसने बुलाया, पाकिस्तान ने, कांग्रेस ने या फिर खालिस्तान ने, किसने आवाज दिया? मेरे देश में बुलाने की किसी के यहाँ कोई पीली चिट्ठी देगा मुझे? मैं किसी के बुलावे पे आऊंगा? मैं मेरे देश में मुझे वीजा बनवाना पड़ेगा या दिल्ली? आप दूसरा शाहीन बाग बना रहे हैं? मुझे ये क्या शाहीन बाग होता है, जब जहाँ आदमी परेशान होगा। शाहीन बाग क्या होता है, ये किसान है, वहाँ शाहीन बाग की बात नहीं है। जो शाहीन बाग किया कोई बात मुद्दा ही ना, मतलब ये जनता जी, ये जन आंदोलन बन चुका है। झोला छाप भगवान हम वही बना दे, जो 10-10 लाख के सूट पहने, 2-2 लाख की घड़ी पहने, ऐसा ऐसा चौकीदार और ऐसा फकीर सारी दुनिया को बना दे भगवान, में तो चाहूंगा हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ऐसा फकीर बना दे। मेरा मंसूर चौधरी जी, आप कहाँ से आए भाई? मैं जिला बागपत से हूँ। तो आपके 15 लाख का है? 15 लाख का हिसाब अभी बाद में लेंगे, एक बार पहले धनेश से निपट ले, 15 लाख का हिसाब बाद में लेंगे। तो आ गए, जितनी जॉब है वो सारी व्हाट्सएप फेसबुक को दी है। 2 करोड़ लोग हाँ हैं जो सुबह से शाम तक फेसबुक चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, इनकी सारी चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं झूठी। वो जॉब तो मिली है, बाकी ग्राउंड पे कोई जॉब नहीं मिली है, बल्कि जॉब छीनी जा रही है। सर आपका नाम? तो आपको कांग्रेस ने पैसे दिए कि पाकिस्तान ने पैसे दिए? चीन ने। आपको चाहिए नहीं, इनको चाहिए। मुझे पूछो नहीं, 15 लाख या 15 पैसे भी नहीं देगा तो झूठों की सरकार है। सुबह वो कसम खा के निकलते हैं इसके मंत्री, पार्टी के जितने भी नेता है, के सारे दिन बेटा झूठी बोलना। जो हमारा एक बहुत बड़ा इन्होंने शोषण किया है वो हम सारा वसूल करेंगे अब, क्योंकि इन्होंने आज से पहले से जब से MSP बनाया है तब से इन्होंने हमारा हक हमको नहीं दिया है। जब पब्लिक रैली करती है तो कोरोना आ जाता है, जब बीजेपी रैली करती है तो छुट्टी लेकर चला जाता है। हैदराबाद में चुनाव हुआ है, वहाँ कहाँ कोरोना था, लाखों लाखों की भीड़ जमा थी, सब कुछ थी, वहाँ कहीं कोरोना नहीं था। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद।